जी, तो ये है श्रीनगर की सबसे बेहतरीन जगह लाल चौक। देखिए कितना आलीशान लगता है। यहाँ पे हमारा तिरंगा भी है जो फिलहाल हवा कम है इसकी वजह से नहीं ले रहा है, लेकिन देखो क्या शान है। ये अभी जो आप गीला देख रहे हो, दैट इज बिकॉज यहाँ पे हर रोज जो है एक गाड़ी आती है। मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, वो गाड़ी जो है रसा साफ करती है। ये मुंबई में होना चाहिए सच में। और ये नज़ारा है फिलहाल लाल चौक का। देखिए कितना वेल मैनेज है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, यहाँ पे फाउंटेन भी होता है, सामने मैं आपको बताऊंगा। बड़ी LED स्क्रीन है, मतलब जो भी सेलिब्रेशन होता है, जो भी बड़े त्यौहार होते हैं, इसी लाल चौक में सेलिब्रेट होते हैं। मैं यहाँ पे रहता हूँ यात्री निवास, और मैं यहाँ पे रहता हूँ यात्री निवास। तो देखिए ये गाड़ी है, वो SMC लिखा हुआ है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वहाँ पे पानी से ये पूरा रास्ता साफ किया जाता है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ क्लीन प्लेस इट इज़। यात्री निवास, भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है। यात्री निवास का रिनोवेशन हो रहा है, बट बहुत सस्ता है। 200 रुपये में आपको यहाँ पे रहने के लिए रूम मिल रहा है, 200। और ये कहीं पे अंदर नहीं है, जो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। देखिए इट्स अ यूज प्लेस टू सीट। वहाँ पे एक LED स्क्रीन है वहाँ पे। यहाँ पे और एक गाड़ी जा रही है। हाँ, एक मतलब माहौल सेट करना है, सेलिब्रेशन करना है, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस। बीचों बीच है लाल चौक। वहाँ पे पीछे आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वहाँ पे जो माउंटेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ वो बर्फ है। वो आपको नहीं दिखाई देगा कैमरे में, लेकिन वो बर्फ है। तो यहाँ पे वो बर्फ दिखाई दे रहा है। और सुबह सुबह क्या नज़ारा है यहाँ का। और ये सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं, लाइक जैसे हम बाहर जाते हैं घूमने फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे कैसा एक चौक होता है जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, तो वैसे यहाँ पे सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। बैंक है, ATM है, खाने पीने के बहुत सारे दुकान है, टाइटन से लेकर लिबर्टी, मोबाइल शॉप बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। FMCG जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, वॉशिंग मशीन, TV, फ्रिज, वो भी है यहाँ पे, ब्रांड देख सकते हैं आप सारे कुछ। और ये है यात्री निवास, जहाँ पे मुझे केवल 200 रुपये में बेड मिला हुआ है। और अगर आप प्राइवेट रूम लेंगे तो भी वो भी 600 में। मेरे पास उनका नंबर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आइए श्रीनगर में, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है। और व्यू देखिए ना, ऑथेंटिक व्यू है। सो मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके भी यात्री निवास दिखाऊंगा। बट हाँ, तो लाल चौक से TRC का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। हमारे अगर लैंग्वेज में बात करें तो 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। फिलहाल मैं हूँ पोलो व्यू मार्केट पे, बहुत अच्छा है पोलो व्यू मार्केट। कैन यू इमेजिन, सुबह के 7:30 बजे और यहाँ पे इतनी शांति है, व्यू बहुत अच्छा है। जैसे हमारे मुंबई में BKC होता है ऑलमोस्ट वैसे। यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी है, हाँ ई साइकिल ज़्यादा है, लाइक आपको बस QR स्कैन करना है और साइकिल से श्रीनगर घूमना है। तो देखिए यहाँ पे फैसिलिटी बहुत है, हमें जानकारी नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें लगता है कि श्रीनगर में बहुत पुलिस सिक्योरिटी है, बहुत सेंसिटिव होने हैं, लेकिन मज़ा भी उतना है। देखिए ना ये नज़ारे, ये खूबसूरती, मेरे सामने का जो माउंटेन है वहाँ पे एक्चुअल में मुझे बर्फ़ दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देगी बिकॉज वी आर शूटिंग इन GoPro और इन iPhone, तो उतना कुछ मिलता नहीं है। बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड। अब भी अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे सारे पेड़ वगैरह थे, तो लग रहा हूँ मैं श्रीनगर में आया हूँ। तो पोलो व्यू मार्केट में मैं हूँ, सॉरी हाँ, तो पोलो व्यू मार्केट में मैं हूँ। अभी TRC जाऊंगा। TRC में मुझे कल का बस बुक करना है। मैं कल ही गया था, कल मतलब कल था 22 तारीख। 22 तारीख को मैं गया था। मैंने कहा कि लद्दाख के लिए कोई बस है, तो सबने कहा लद्दाख का बस अभी बंद है। तो फिर एक गाड़ी वाले से बात हुआ, गाड़ी वाले ने कहा मैं आपको 2500 में छोड़ दूंगा। हाँ, तो उसने कहा 2500 में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं डाउटफुल था, फिर भी मैं गया। JKRTC, JKRTC मतलब जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, धूप आया। और हमारे यहाँ पे कैसे, मुंबई में, महाराष्ट्र में MTDC होता है, MSRTC होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वैसे ही है यहाँ पे ही भी है। देखिए आप लोकल बस से जब भी जाते हो सेफ्टी होता है, सेकेंडली सस्ता होता है, और ये जो पैसा है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को जाता है। तो मैं कल गया था, उन्होंने उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन छोड़ के लद्दाख के लिए बस जा रही है, एक दिन जाने के लिए, एक दिन आने के लिए। वो मुझे फंडा नहीं समझा, आपको भी जैसे नहीं समझ रहा वैसे मुझे भी नहीं समझ रहा, बट प्रैक्टिकली जब जाएंगे तो पता चलेगा बर्फ़ ज़्यादा है या रोड वन साइड खुला है, शायद इसी के लिए ये सब हो रहा है। डजेंट मैटर, हमें जाना है, इतना तो मुझे पता है। फिलहाल TRC चलना है, TRC से बस बुक करना है। अगर बस बुक हुआ तो कल मैं लद्दाख के लिए ट्रैवल करूँगा, दैट विल बी ड्रीम जर्नी फ्रॉम माइंड, यही बाकी है, हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको पूरा लाल चौक और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यात्री निवास उसका डिटेल दूंगा, क्योंकि श्रीनगर में 200 रुपये में बेड कहाँ पे मिलता है। फिर से वही हो रहा है, मैं अभी TRC ऑफिस में हूँ। TRC मतलब टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, लैंडमार्क। ये जो पीछे ब्रिज दिख रहे हैं, फ्लाईओवर दिख रहे हैं, वो
फिलहाल उनका कहना है कि अगर वहाँ से आज शाम में बस आई तो वो कल सुबह जाएगी। कल मुझे बोला गया था कल सुबह के इंक्वायरी के लिए, सुबह 7:30 बजे में निकला और 7:40 को मैं यहाँ पे हूँ। अभी तक तो बस का कोई नामो निशान ही नहीं, तो शाम में फिर से आना है 3-4 बजे। अगर बस आई तो मुझे कल का टिकट मिलेगा। मुझे एक्चुअली फ्रंट सीट चाहिए, मिला तो बहुत अच्छा होगा। यही से बस लगती है, ये सब होता है और ये करूँगा क्योंकि ड्रीम राइड करना लद्दाख में। यसो मैं बस TRC से जा रहा था लाल चौक के यहाँ पे, तो मुझे कुछ लड़के देखे क्रिकेट खेलते हुए। तो क्रिकेट जो है साहब मुंबई से कभी छुट्टा नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा खेल रहा है, स्टंप नहीं है, उसने बैक की टी लगाया हुआ है। वहाँ पे एक प्रॉपर टीम खेल दी है, हालांकि वो मैदान ए उस्मान भाई, बास्केटबॉल का है लेकिन खेल रहे हैं। तो मेरे साथ एक अंकल है, उनसे भी बात करूंगा मैं। देखिए ऐसे ही ना, यहाँ पे क्रिकेट चल रहा था और मैं पीछे से चिल्ला रहा था, 2 रन है 2 रन है 2 रन भागो, क्योंकि क्रिकेट हम लोग दूर से ही देखते हैं। श्रीनगर का क्रिकेट कैसा है? बहुत अच्छा है यहाँ, बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड ग्राउंड की कमी है बहुत, मगर फिर भी यहाँ अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम लोग क्या करें। देखिए मुंबई में तो कुछ नहीं, मगर फिर भी हमारे यहाँ ये देखो, ये बच्चों के लिए खेलने की जगह तो नहीं है, ये घूमने की जगह है। जी, मगर आप देखिए कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, इसमें भी अपना टाइम निकाल रहे, बॉल लाए, बैट लाए, सर ये 2-3 घंटे के लिए आए हैं सुबह आज, क्योंकि आज छुट्टी है, आज उनको दरसगाह, ये हमारा इंस्टीट्यूट इधर है बटमालो में। तो आज आज किस बात का छुट्टी? वो कुछ बुद्ध पूर्णिमा है शायद, ऐसी बुद्ध पूर्णिमा है, तो इन्होंने एक ड्यूटी में 2 घंटे 3 घंटे निकाले। इसमें भी इस ग्राउंड में जहाँ जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ करते हैं बच्चे के, मगर ये क्रिकेट खेल रहे हैं, इसे इसे पैशन कहते हैं ना। हमारे यहाँ पे जाएंगे तो जहाँ पे देखिए हम लोग जिस रोड पे खड़े हैं ना, वहाँ पे भी लोग खेल ले, 3-3 टीम खेलेंगे। मेरे मैं आपको बता दूं, आजाद मैदान में 100 से 150 टीम खेलती है, शिवाजी पार्क में 50 से 60 टीम खेलती है, क्लब है, अमरस कॉलेज है, ये कुछ जो यहाँ के कॉलेज हैं उन्हीं में, जो ग्राउंड है उन्हीं में इसे बच्चे खेलते हैं। बाकी ऐसे कोई स्पेक्स कोई जगह नहीं रखी है गवर्नमेंट, अच्छा। ने कोई स्टेडियम नहीं रखा जहाँ बच्चे खेले। नहीं, हमारे यहाँ पे पब्लिक ग्राउंड है, जो कॉलेज है जी, उनके जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर ही जाके हम खेलते हैं। संडे के दिन हमारे बच्चे जाते हैं, 10-10 50-50 टीमें खेलते हैं। अच्छा, शायद मुझे नहीं पता कि मैं कॉलेज सीखा हूँ, लेकिन मेरे कॉलेज में मुझे कभी नहीं लिया खेलने के लिए। हम लोग कॉलेज है, ये इधर है, इधर SP कॉलेज है, अमरसर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, SP यहाँ पे भी, SP पुणे में भी है, बहुत फेमस कॉलेज है, श्री प्रताप कॉलेज यहाँ पर है, मगर उसमें जो उनका ग्राउंड अपना स्कूल का कॉलेज का है, तो उसी में संडे के दिन ज्यादा बच्चे खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे भी क्रिकेट का जुनून वैसा है, क्योंकि वी आर फ्रॉम मुंबई। ये है हर कोई, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बट ज्यादा तो यही खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किसी किसी को किसी भी टीम का मजा आता है, वो जिसको जो पसंद है वो बनना खेलना जरूरी है, फिटनेस जरूरी है और एक लगा होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए तो फिटनेस तो जरूरी जी, है, मगर होनी चाहिए पार्क वार्क होनी चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। देखिए तो एक सिंपल लोग बनाते हैं, ये भी पता चला कि यहाँ पे भी किल्लत है, यहाँ पे भी ग्राउंड कम है। ये हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज के ग्राउंड में खेलते हैं, बाकी कोई स्पेक्स जगह, ये एक है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसके साथ हॉकी है, बस यही, बस क्रिकेट के लिए तो होना चाहिए, होना चाहिए क्योंकि हमें और बड़े प्लेयर चाहिए देश को जिताने वाले। बहुत अच्छा लगा सर, आपका नाम पूछना एजाज, एजाज एजाज भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा। तो ये मुंबई तक जाएगा अपडेट, और आपको देखो लगता है तो कमेंट करिए कि हमें लगता है जम्मू श्रीनगर में ये है वो है, आप आइए तो सही है, आइए तो देखिए सर, जो आए वो देखे, वो बोलता है फिर नहीं कुछ नहीं, ये क्या है, अरे ये लोग टीवी देखते हैं, टीवी में ऐसा कुछ देख लेते हैं, जैसे आप लोग मुंबई का जो टीवी में देखते हैं वैसे हमें लगता है, लेकिन नहीं आप सर, आप देखिए, आपने खुद देखा होगा, या टूरिस्ट हमारे से चलते हैं देखते हैं, अरे क्या बात है, नहीं, आप क्या लोग हैं, किसी के नहीं जी, मैं 5 मिनट से उनको जानता हूँ, बहुत अच्छी पहचान होगी, ये श्रीनगर है, यहाँ के लोग है, वी आर इंडियन, नंबर 1 और जीरो टॉलरेंस है किसी के साथ, क्रिस्टियनिस्ट के साथ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये मैं यहाँ पे श्रीनगर में खड़ा लेके कह रहा हूँ, मेन लाल चौक, हमें इस टाइम में रेजिडेंसी रोड, ओके, हाँ मेन कश्मीर का, सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, लास्ट टाइम। नदी है ये, इसे शिकारा कहते हैं ना, शिकारा छोटी बोट होती है, बड़ी बोट है बेसिकली, इट्स अ बोट हाउस, जहाँ पे आप बोट के अंदर ही आपका घर होता है, आप वहीं पे रहते हो, दैट इज फॉर अस इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम मुंबई पीपल, बट द पीपल ऑफ साउथ केरल में ये बोट हाउसिंग ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे लाइन से बोट लगे हुए हैं, उसमें सारा फैसिलिटी मिलता है, मौका मिला तो अंदर से भी आपको दिखा दूंगा। और ये झेलम रिवर है, झेलम रिवर, अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो हिस्ट्री में झेलम रिवर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, ये सब बोट है, इसे हाउस बोट कहते हैं, झेलम। अच्छा, मैं बैक कैमरे पे आ जाता हूँ।
हाँ, सो बेसिकली ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है तो सप्त नदी या सप्त सिंधु करके एक वर्ड आपने पढ़ा होगा। सिंधु मतलब इंडस, जो मैं आपको लद्दाख में दिखाऊंगा। इंडस के वजह से ही देश का नाम इंडिया हुआ, तो ये भी हमें पता नहीं होता कई बार। अब बात करते हैं इस नदी की। झेलम, चिनाब, रावस, ऐसी एक सात नदियों का संगम है जो हमारी आर्य संस्कृति है, जो हमें कहते हैं कि आर्यंस और हमें ईस्ट इंडियन वगैरह जो कहते हैं। उसका मकसद ये था कि अमेरिका से जब पहले लैंड वगैरह ज़्यादा था नहीं, तो उन्होंने ज्योग्राफिकली रिवर्स को ही बाउंड्री माना था। तो ये सिंधु नदी का जो प्रदेश था, इसे सिंधु संस्कृति या सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो ये यहाँ का ही एक रिवर है, विच इज़ अ इम्पोर्टेंट रिवर, इसके ट्रिब्यूटरीज है। और हमें पता है कि हम लोग नदी के किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली पानी मिलता है, खेती के लिए आपको उपजाऊ ज़मीन मिलती है। ये सारे आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में और साइंस में भी पढ़ा है। सो ये यहाँ की पहली लोकेलिटी है, मतलब जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लद्दाख, वहाँ पे भी रिवर थी इसलिए लोग रहते थे। ऑब्वियसली सिंधु रिवर का प्रॉब्लम ये है कि वो बाद में पाकिस्तान से बह के आती है, तो इसलिए उसका लेंथ कम हो जाता है। नहीं तो 2800 किलोमीटर है वो, पाकिस्तान जाने की वजह से 2500 हो जाती है, और गंगा रिवर 2700 किलोमीटर है, इसलिए वो बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया हो जाती है। ब्रिज ख़त्म होते होते थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज मिल गया है। और हम लोग जा रहे SPS म्यूज़ियम, मुझे वो म्यूज़ियम अभी गूगल पे मिला है, तो प्लान है कुछ देखूँ और आपको भी दिखाऊँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि बाद में तो इतना जल्दी आने वाला हूँ नहीं, आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा ज़रूर। SPS यही है क्या वो, सब श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम यही है, चलो मिल भी गया। सब भारी है श्रीनगर, मतलब देखिए ना, ब्रिज, हाउस बोट, और सफ़र सुहाना है। ठंड अभी भी लग रही है, सुबह के 9:30 यहाँ का म्यूज़ियम श्री प्रताप सिंह संग्रहालय श्रीनगर ओपन होगा। तब तक 20 मिनट थोड़ा सा घूमना है, वॉक करना है, जितना समय मिले आपको भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, क्योंकि हमें जिस तरह से श्रीनगर के बारे में बताया गया है वो थोड़ा सिनेमेटिक है, ट्रेजेडी वाला है, सस्पेंस वाला है। ओ श्रीनगर के गुलाब, सही है, कहीं पे भी गुलाब है, देखो गुलाब। अब ये कौन से गुलाब है डाटा आई डोंट नो, बट दिस आर दी टाइप ऑफ रोज, और रोज बगा तू भी ऐसा मराठी तोन जाए। बहुत अच्छे अच्छे रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ओपन स्पेस में HK ब्यूटी फ्लावर्स, खतरनाक है ये सब। तो यहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑर्डिनेशन के लिए लोग अच्छे हैं, हर जगह पे साइन बोर्ड है, तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी इजीली मिल जाती है। मैं रिवर के उस तरफ रह रहा हूँ, मुझे भी अभी पता चला कि यहाँ पे रिवर है। यात्री निवास, यहाँ पे जाना है मुझे म्यूज़ियम घूमने के लिए, और वही एक छोटा सा वॉक ले रहा हूँ, मैं भी घूम रहा हूँ, आपको भी घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हाउ ब्यूटीफुल श्रीनगर इज, हाउ पोलाइट पीपल आर, एंड ऑसम व्यू। सी अभी मैं थोड़ा अगर ऐसा प्लान करूँ खुद को, तो वहाँ पे हाउस बोट से हर जगह पे ग्रीनरी है, वहाँ पे ई बाइक, ई रिक्शा वगैरह चल रहा है, तो ये भी व्यू। कितना धूप है, हाँ सही है, सब सही है, मतलब आई एम हैप्पी दैट मुझे समय मिला घूमने के लिए, बिकॉज ऑफ दी दैट आईफोन AC ऑल्सो गेटिंग दी गुड पिक्चर। लेकिन अभी मैंने कैमरा ऑफ किया, तो पता नहीं मेरा ऑडियो कैसा होगा, बट मज़ा आ रहा है श्रीनगर घूमने में और आपको घुमाने में। 15 मिनट बाद म्यूज़ियम चालू होगा, म्यूज़ियम जाना है। साइड न्यूज़ फ्रॉम माई साइड, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, मुझे लगता था ये सब महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है, बट नेशनल हॉलीडे। तो श्रीनगर का ये जो म्यूज़ियम था, मुझे देखना था, मैंने गूगल पे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, फ़ोटोज़ देखे थे, एज ए हिस्ट्री लवर मुझे जाना था, लेकिन बंद है बिकॉज ऑफ द नेशनल हॉलीडे। कोई बात नहीं, कल लद्दाख के लिए होप्सो निकलूँगा, अगर नहीं निकल पाया, यहाँ पे रुकना पड़ा, या रिटर्न आने के बाद अगर एक दिन मिला, तो ये सुबह 10 से 3 बजे तक चालू रहता है। आई डोंट नो अबाउट दी फीस एंड ऑल, बट हिस्टोरिकल चीज़ें देखना मुझे पसंद है, तो आई ट्राई, अगर जब भी समय मिला मैं आऊँगा, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक है, मतलब 10 मिनट में मैं मेरे होटल से यहाँ पे आ जाऊँगा।